दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, सीबीआई इंडिया का सबसे बड़ी जांच एजेंसी है। इसीलिए आज हम बात करेंगे सीबीआई के बारे में। सीबीआई बनने के लिए जो एज चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए और उनका एग्जाम प्रोसेस कैसा होगा, उन सारी कुछ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग जान लेते हैं सीबीआई क्या है। सीबीआई की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, जिसको हिंदी में कहती है केंद्रीय जांच एजेंसी, जिसका शुरुआत हुआ था 1941 में भारत सरकार का द्वारा। और सीबीआई जो है वो भारत का बड़े बड़े मामले में जांच करती है, जैसे मर्डर, चोर, डाकियाती, भ्रष्टाचार और अन्य काही सारे मामले में जांच इन्हें करती है। और सीबीआई सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर काम नहीं करता, सिर्फ राष्ट्रीय में नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काम करता है। और सीबीआई को आदेश देती है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और केंद्रीय सरकार ने इसको आदेश देती है, तभी इन्होंने जांच करने शुरुआत करती है। तो अब मैं बताऊंगा आप कैसे एक सीबीआई ऑफिसर बन सकते हो। इनके लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। सीबीआई ऑफिसर बनने के लिए दो तरह का आपका रास्ते खुले रहती है। तो पहला आती है डेप्यूटेशन। डेप्यूटेशन के द्वारा भर्ती भी हो सकती है। तो डेप्यूटेशन क्या है? डेप्यूटेशन ऐसा होती है, अगर आप कोई राज्य या फिर केंद्रीय पुलिस में हो तो आप इस सीबीआई में जा सकते हो। और अगला जो आती है वो सीधे भर्ती। और सीधे भर्ती वही होता है अगर आपको एसएससी एग्जाम में बैठना होगा, और एसएससी एग्जाम से आपको सीधे क्वालिफाई होना पड़ेगा, होने के बाद वहां से आपको चुने जाती है। सीबीआई ऑफिसर बनने के लिए आपका जो शैक्षिक योग्यता होना चाहिए वो विश्वविद्यालय से, किसी भी विश्वविद्यालय से आपको स्नातक स्तर का डिग्री हासिल करना होगा। और उसके बाद आपको एसएससी द्वारा आयोजित सीजीएल परीक्षा में पास करना होती है, और आपको 55% मार्क से आपको विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर कंप्लीट करना होगा। आप जान लेते हैं आयु सीमा यानी कि एज लिमिट के बारे में अब हम जान लेते हैं। इधर पर जो आयु सीमा होना चाहिए वो 20 से 30 वर्ष का बीच में आपका आयु सीमा होना चाहिए। आप सीबीआई एग्जाम पैटर्न के बारे में हम लोग जान लेता हूँ। एग्जाम जो होती है वो एसएससी द्वारा आयोजित सीजीएल परीक्षा में पास करना होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद सीजीएल परीक्षा में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के आधार किया जाती है। इस एग्जाम में आपको तीन पेपर दिए जाते हैं। पेपर नंबर 1, इसमें क्या क्या रहती है इनके बारे में जान लो। इसमें आपको 200 अंक का क्वेश्चन पूछे जाती है, जहां आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाती है। वहां पर आपको जो क्वेश्चन मिलती है वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का आपको 50 अंक दिया जाती है, और जनरल अवेयरनेस का 50 अंक दिया जाती है, और आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 50 अंक दिया जाती है, और अंग्रेजी के लिए आपको 50 अंक दिया जाती है। पेपर नंबर 2, इसमें आपको 400 अंक का क्वेश्चन पूछी जाती है, जिसमें 2 घंटे का टाइम मिलता है। उसके बाद पेपर नंबर 3, इसमें आपको 100 अंक का क्वेश्चन पूछी जाती है, जिधर पर आपको पत्रों आवेदन पत्रों लिखना होती है, 1 आवर्स का टाइम देता है, और वहां पर आपका रेटिंग स्किल चेक कर जाती है, चेक किया जाती है। उसके बाद इन तीनों एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको इंटरव्यू में बुलाया जाती है, जहां पर आपका व्यक्तित्व और मानसिक क्षमता का आकलन किया जाती है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किया जाती है। उसके बाद अगर आप अच्छे रैंक लेकर आती हो तो आपको ट्रेनिंग में भेजा जाती है। तो आप जान लेते हैं सीबीआई का कौन सा पोस्ट अवेलेबल रहती है। फर्स्ट जो आती है वो है कांस्टेबल, उसके बाद हेड कांस्टेबल, उसके बाद सब इंस्पेक्टर, उसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 5वें नंबर पर इंस्पेक्टर है, उसके बाद एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिप्यूटी इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस और एडिशनल डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर और डायरेक्टर, यही सारे पोस्ट, यही 12 तरह का पोस्ट आपके लिए अवेलेबल रहती है। इन सारे पोस्ट में से हमने आपको बताया सब इंस्पेक्टर बनने का सारे कुछ, और हमने अब बता देता हूँ सब इंस्पेक्टर का जो मिनिमम सैलरी रहती है वो 44,000 रुपीज मिनिमम सैलरी रहती है। सब इंस्पेक्टर बनने का सारे क्राइटेरिया मैंने बता दिया, और सब इंस्पेक्टर से आपको प्रमोशन में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन सकते हो और सब इंस्पेक्टर भी बन सकते हो, इस तरह प्रमोशन होती है। अगर आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप एसएससी के जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आप ले सकते हो। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत अच्छा लगे, अगर आपको इस वीडियो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कीजिए, अगर चैनल में ना है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए।